नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है JDJ एस्ट्रोलॉजी यानी जीवन दर्पण ज्योतिष। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा हर किसी के घर में होती ही है, पर क्या आप जानते हैं कि एक खास तरह की प्रतिमा घर में रखने से आप अपने जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? जी हाँ, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान श्री गणेश की दो ऐसी खास मूर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको घर में रखने से आप अपने जीवन के सभी संघर्षों को दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा जिसको आप करना चाहते हैं, जैसे कि किसी बेटे की शादी या किसी बेटी की शादी में कोई अड़चन आ रही है, या कोई भी ऐसा कार्य जो आप चाहते हैं कि आपके घर में हो और लेकिन वह शुभ काम आपके घर में नहीं हो पा रहा है, या घर में धन का संकट है, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगों से घिरा हुआ है, यदि घर में कोई रोगी है या घर को रोगों ने घेर रखा है, तब आप भगवान श्री गणेश की नीम की लकड़ी से बनी हुई मूर्ति, जी हाँ, जो नीम का पौधा होता है उस नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे बने हुए भगवान श्री गणेश की मूर्ति को आप बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से भगवान श्री गणेश की आप पूजा करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर से रोग परेशानियां दूर हो गई हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि भगवान श्री गणेश सदैव मंगल करने वाले हैं, इसलिए आप इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश की दूसरी मूर्ति के बारे में। मित्रों, आपने अक्सर देखा ही होगा कि कुछ साधु संन्यासी एक हाथी को लेकर अक्सर गांवों में, शहरों में आते हैं, या फिर यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपके आसपास आपको हाथी मिल सकता है, तो आपको केवल इतना सा ये उपाय करना है कि हाथी के सीधे पांव की आपको थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त करनी है, और हाथी के सीधे पांव की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप उसमें और अच्छी सी मिट्टी मिलाकर, उसमें देसी घी मिलाकर, उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर भगवान श्री गणेश की आप एक सुंदर सी प्रतिमा अपने हाथों से बनाइए, और उसके बाद उस प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। प्रतिमा को बुधवार को बनाएंगे तो अधिक शुभ होगा, और अपने घर के मंदिर में स्थापित करने के बाद नियमित रूप से उनकी धूप दीप कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, और श्री गणेश अथर्वशीष का आप पाठ करिए। मित्रों, यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन की हर एक समस्या निश्चय ही दूर हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, इसे करिएगा। धन संबंधी परेशानी है तब भी दूर होगी, यदि किसी भी प्रकार का आपका कोर्ट कचहरी कोई भी मुकदमा इत्यादि चल रहा है वह भी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है उसके लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कीजिएगा। ये दो प्रकार की मूर्तियां अति शुभ हैं, इन्हें आप अपने घर में स्थापित करें और लाभ लें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आप इससे लाभान्वित होंगे।
यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों के पास भी पहुँचे। आप सभी पर भगवान श्री गणेश कृपा करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।